हम हार रहे हैं तो हमको क्या, लेकिन ये चोर को तो कभी छोड़ नहीं सकते हैं ना। मोदी जी आज से नहीं बार बार कह रहे, ना खाएंगे खाने देंगे, और जिन लोगों ने लूट करके पैसा लगाकर उसका पाए पाए उसको निकाल। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया, एवं इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से ईडी गठबंधन के द्वारा हुई रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस तरह पेश किया गया है जैसे उनके भ्रष्टाचार से कोई नाता रिश्ता दूर दूर तक ना रहा हो। की बात कही एवं प्रवर्तन निदेशालय के छापे के विषय में भी कहा, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री का अपने नाम से खनिज पटा लेना, पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में जमीन लेना, पाकुड़ जिला में भाई के नाम से खनन का पत्ता लेना, प्रेस सलाहकार के नाम से खनन का पत्ता लेना, परिवार के नाम पर खनन का पट्टा लेना, ये सब सबके सामने है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास सचिव को पत्र लिखा था, वह सारे पत्र नोटों का बंडल के साथ मिले हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उसे पत्र के आधार पर तुरंत फिर कारण पूरे मामले की जाँच CBI से कारण और इसकी अनुशंसा करें, ऐसा ना हो कि उनका बुढ़ापा भी जेल में कटे। इन लोगों के यहाँ तक आपको मिलेगा, क्योंकि ये लोग इतना पैसे जो बरामद हो रहा है और उसमें भी उन्हीं लोगों के घर बरामद हो रहा है कांग्रेस, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं चुनाव में निराश हताश जो हो चुके, तो पैसे के बल पर चुनाव जीतना ये लोग चाह रहे हैं, उसका उपयोग करने के लिए यहाँ वहाँ पैसा बिखारे हुए हैं इसको। तो आप तो देखे होंगे कि झारखंड में ही अब किस प्रकार से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, अपने नाम से खनन की पट्टा लेना, पत्नी के नाम से आदिवासी के नाम पर जो जमीन हो पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में लौट कराना, और पाकुड़ जिला में भाई के नाम से खनन का पट्टा, उनके प्रेस सलाहकार के नाम पर खनन के पट्टा, फिर उनके विधायक प्रतिनिधि के परिवार के नाम पर खनन का पट्टा, तो ये सब सबके सामने है। बार बार मैं इस बात को बता चुका हूँ, और अभी भी उनके कई बिचौलिया, कई उनके दलाल, दो दो IAS ऑफिसर जेल में बंद है, कई इंजीनियर भी जेल में बंद है। फिर आपने देखा कि जिनका पैसा पकड़ाया, यानी दिल्ली में जो BMW की गाड़ी मिली थी तो वो भी उसी व्यक्ति के नाम पर था, लेकिन पैसा और बाकी कैसे ट्रांजिट हुआ ये सारी चीज़ें जांच होगी तो सब कुछ सामने आ गया है। तो हम कह रहे थे कि आज अगर ये आज के पैसा की भी जांच होगी, पहले के भी जो 353 करोड़ के पैसा जांच होगी, तो शायद ये कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार है या शहजादे जिसको बोलते हैं, तो ये जांच की तार वहाँ तक पहुँच जाएगी। यानी ये वसूली का जो धंधा इस राज्य में इन 4 वर्षों तक लगातार जारी रहा, और आज मैं ये कहूँगा कि इस प्रदेश के जो नेता लोग हैं जो घूम घूम करके कहते हैं भाई हेमंत सोरेन को फंसाया गया, कल्पना सोरेन भी घूम घूम कहती कि भाई हमारे पति को फंसाया गया, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और सबूत क्या हो सकता है। इतनी नोटों की जाखीरा 350 किया, फिर बाद में ये व्यक्ति वहाँ केस भी हुआ तो उसको भी रातों रात केस को कैसे समाप्त किया गया, और जो उसमें से दोषी लोग थे, जो लोग जिनकी भूमिका थी, चाहे पंकज मिश्रा हो चाहे आलमगीर आलम, उन लोगों को निर्दोष घोषित किया गया था। ये वही शंभु नंदन जी हैं जो मतलब राइट कॉज के लिए कहीं भी लड़ते हैं और उसमें से घबराते नहीं हैं, मतलब जुझारू व्यक्ति हैं, लड़ाकू व्यक्ति हैं, तो इसलिए लगा कि थोड़ा सा परिचय करा देते हैं। तो आज इन्होंने हमसे बात किए थे तो हमने कहा कि शायद पाकुड़ जाने में हमें विलंब होगी, क्योंकि उधर का चुनाव अंतिम फेज में है, तो हम थोड़ा सा
अगर आप इधर आ जाते हैं तो अच्छा होता है। तो इन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूँ, मैंने कहा कि आ जाओ, इसलिए आज उनका योगदान करा है। आज आप सब लोगों के बीच प्रेस से मिलने का एक कार्यक्रम ये बना कि आप सबको ध्यान में होगा आज की घटना आप सब लोगों के संज्ञान में पूरी तरह से आ गया है। तो आप सब लोग देखते होंगे, आप सब लोग परिचित भी हैं, आपने देखा होगा पिछले दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के रांची में एक उलगुलान रैली लोगों ने किया और उस रैली में मानो इस प्रकार से लोग आगे तो देखे होंगे दो दो कुर्सी लोगों ने खाली ही छोड़ा था। अब वो दो कुर्सी किन के लिए था आप सबको पता है क्यों छोड़ा गया था। यानी ऐसे लोग प्रदर्शित कर रहे थे कि लगता था कि शायद भ्रष्टाचार से हेमंत सोरेन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई जुड़ाव भी नहीं है, इस प्रकार से लोग पेश कर रहे थे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि चार साल के क्या बोलते हैं, हाँ तो पैर तो छोड़ दीजिए, बल्कि मैं कहूंगा कि झारखंड के भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन हो या पूरी सरकार ही कहिए कि वो दलदल में पूरी तरह से डूबी हुई है। और ये लोग बार बार एक बात को कहते हैं कि भाई आदिवासी हैं इसलिए इनको फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि चार वर्षों के शासन काल में हेमंत सोरेन के कार्यकाल आदिवासी समाज का जो मान सम्मान पहचान इसको पूरी तरह से इस व्यक्ति ने धूमिल किया। क्योंकि आदिवासियों का सम्मान और मान क्या होता है कि और उसका पहचान क्या है कि भाई सहज होते हैं, सरल होते हैं, उनका कहीं भी नहीं, कहीं एक मंत्री के साथ रोज चुका है कब, बीते जमाने की बात है भाई। अब सरकार जब बीजेपी की रही होगी तो चार साल पहले रही होगी, साढ़े चार साल पहले, तो साढ़े चार साल से तो उस पैसे को नहीं रखा गया होगा। तो इसीलिए ये कह करके वो निकल नहीं सकते हैं। अगर कई एक मंत्री के साथ रहे और वो गड़बड़ थे तो ये तो जांच परख करके ही ने रखे होंगे उस पदाधिकारी को। और फिर जब चीफ सेक्रेटरी ने सचिव को जो पत्र लिखा FIR करने के लिए, फिर वो कैसे चला गया, तो मंत्री क्या कर रहे थे। आज भी मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी पत्र ED ने लिखा है उन सभी पत्रों को देख करके और CM या मंत्री FIR करने की आदेश दे और पूरे मामले की जांच CBI से करा दे, क्या दिक्कत है। FIR तो करावे तो समझ में आएगा कि वास्तव में ये लोग करप्शन नहीं कर रहे हैं और करप्शन को समाप्त करना चाहते हैं। तो करप्ट लोगों को बचाने के लिए ये सारे पत्र अलमीरा में छोड़ दीजिए, सचिव के भी दफ्तर में होता तो समझ में आता, इन नोटों के बंडल में और नौकर के घर तक पहुंच जाता है। इसका मतलब वो लोग कोई कीमत उसकी नहीं समझते हैं। यानी इसका अर्थ यही होता है कि ये सारे के सारे लोग इस लूट में शामिल ही नहीं है, संरक्षण भी दे रहे हैं। और पिछले उस समय 350 करोड़ का तो हम सब लोग देखे भाई किस प्रकार के नोटों की गिनती एक दिन में नहीं समाप्त हो, कई दिनों तक चला था और आदमी ही थक नहीं गए थे बल्कि मशीन भी थक गया था नोटों की गिनती करते करते, इतना नोटों पर। झारखंड में भी जो भ्रष्ट अफसर दलाल बिचौलिया उनके ठिकानों पर जो 20 करोड़ से अधिक नोट जो मिले थे वो भी आप सब लोगों के संज्ञान में है। और उसके बाद भी आज देश के जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है या ND अलायंस के जो गठबंधन के जो लीडर है राहुल गांधी, वो भी घूम घूम करके क्या कहते हैं कि भाई संपत्ति का हम एक्सरे करें, भाई उनका एक्सरे करके तो सब मिल ही रहा है संपत्ति,
शायद वो कल आने वाले भी हैं, तो हम कहेंगे कि उनको बताना चाहिए कि भाई ये भी जो आज भी जो पैसा मिला है आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके क्या कहते हैं नौकर के, इतना बड़ी रकम, आखिर वो रकम किसका है, ये उनको बताना चाहिए। और ये जो पैसा का जाखीरा, यानी आप सोच सकते हैं अगर नौकर के घरों में इतना घर पर इतना पैसा मिलता है तो उनके सहायक, उनके सचिव या फिर मंत्री या सरकार से जुड़े दलाल बिचौलियों के घर और भी अगर छापामारी हो जाए तो पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपया मिलेगा, ये शायद हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं। शायद वहाँ तक हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उतने पैसे इन लोगों के ठिकानों में होंगे या इन लोगों के पास होंगे।